सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज है 11th ऑफ नवंबर और थर्सडे या वेडनेसडे है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। और अभी मैं अपने स्कूल से वापस जा रहा हूँ। आज मेरी काफ़ी जल्दी छुट्टी होगी, अभी 12 o'clock भी नहीं हुए, बिकॉज अभी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं। तो जैसे ही आपका पेपर ख़त्म हो ना, आप फटाफट घर चले जाओ। तो बेसिकली जब मैं पहले प्राइवेट स्कूल में था, उसमें तो ये होता था कि जो टाइम दिया हुआ है उसी पे स्कूल लीव कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसा ही आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया, आप जाओ भाई। तो ये बड़ा सही, मतलब ये गवर्नमेंट वाले ना ज़्यादा ऐसे फॉर्मेलिटी वगैरह कुछ नहीं करते, बढ़िया रहता है इनका, तो सही है। तो मैं जिस जैसे पार्क से जा रहा हूँ, देखो पूरे पेड़ ही पेड़ है भाई। चंडीगढ़ का ये सही है, दोनों साइड अगर रोड पे उतर दोनों साइड पेड़ होते हैं, सब जगह इतने पेड़ लगाए हुए हैं ना। तभी इट इज़ अ वेरी क्लीन सिटी, और उसे बोलते हुए चंडीगढ़ द क्लीन सिटी ऐसे बोलते भी हैं कुछ, तो सही है यार, बड़ा सही लग रहा है चलने में। अचानक से पता नहीं क्यों मेरे को ना थोड़ी गर्मी सी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो भी मैंने ऐसी जैकेट भी अपनी खोल ली थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो शायद से हार्श सनलाइट मुँह पे पड़ रही है इसलिए हो रहा है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है एकदम से। सेक्टर 10-15 पंचकुला, तो अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। और सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों सिर दुखने लग गया है। कल रात को नींद भी नहीं पूरी थी, अगर आपको पिछली वीडियो देखी हुई है तो कुछ 4-5 घंटे ही सोया मैं, इसलिए अब सिर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। ये तो पपलू हो गया। तो मैं घर वापस आया और ताला लगा हुआ भाई, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से गए। भैया आपको चाबी देके गए? नहीं बेटा। तो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि छुट्टी मेरी आज जल्दी होगी 2 घंटे, तो फिर वो मम्मी भी और दादी थी घर पे, उनको भी यही लगा कि लेट आएगा, इतनी देर वो अपने फ्रेंड के किसी घर चले गई, यहीं पास में गई थी, तो मैं जाके चाबी ले आया उनसे। अभी मैं बहुत सारा थक गया हूँ, पर एक अच्छी बात ये भी है कि अब पूरा घर अकेला है मेरे पास, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं थक गया हूँ तो मैं, नींद भी आ रही है, नहीं सोऊंगा तो नहीं। अभी मैं पहले कुछ खाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, शायद से कुछ मार्केट से ही खाना पड़ेगा अगर घर पे कुछ ना हुआ। अभी ना मेरे एक चीज़ दिमाग में आई थी, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की बात करें ना, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, तो मेरे को, मैं पहले अपनी फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक प्राइवेट में ही रहा हूँ। उससे पहले जब वो प्री नर्सरी वगैरह थे तब भी प्राइवेट स्कूल में ही रहा हूँ। अब जाके मैं +1 में गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ, एज यू कैन सी। तो मतलब सीरियसली बोलूँ तो मेरे को ये गवर्नमेंट स्कूल अपने पिछले वाले प्राइवेट स्कूल से बेटर लगा कई मामलों में, और कई मामलों में थोड़ा ये लैक करता है। तो अगर देखा जाए ना, तो टीचर्स का मेरे लिए एक मिक्स्ड ओपिनियन है, दैट कि एक साइड पे टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, मुझे तो लगता है ऐसा कि प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, और उनका पढ़ाने का वे भी कई टीचर्स का बहुत अच्छा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर नेगेटिव की बात करें ना, तो थोड़ा ये डाउन साइड पर इसलिए चले जाते हैं बिकॉज लाइक ये काफ़ी चिल मोड में, अगर वैसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अच्छी बात है कि यू नो ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा रोक टोक नहीं है किसी चीज़ के लिए, वरना हम फ़ोन चला सकते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल में फ़ोन नहीं चला सकते थे वो सब। बट हाँ, अगर एक वैसे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली बैठ के देखा जाए तो वो गलत भी है, तो ऐसे है। और एक अच्छी बात, अगर एक शॉकिंग बात एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेरे इस स्कूल की जो ये गवर्नमेंट स्कूल में मैं गया हूँ, इसमें पूरे साल की फ़ीस सिर्फ 2500 है, जो मेरे वहाँ की एक महीने की फ़ीस जो थी उसका आधा है, या शायद से आधे से भी थोड़ा कम है। तो मतलब फिर आप सोच सकते हो कि 2500 में, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल है, इतनी कम फीस है तो पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, सीरियसनेस नहीं होगी,
एंड यू नो लाइक टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, माहौल अच्छा नहीं होगा, एम्बियंस अच्छा नहीं होगा, बच्चे नालायक होंगे सब, देखो ये लगा था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2500 की जो फीस ले रहे हैं ना, मतलब फीस यहाँ है और पढ़ाई यहाँ पे है, सीरियसली कुछ भी नहीं है घर में खाने को यार। अभी मैं ये लेके आया अपने लिए दो चिप्स के पैकेट, कुछ था है कुछ, एक दाना नहीं है घर पे कुछ खाने के लिए, तो क्या करूँ, चिप्स ही खाने पड़ेंगे। तो अभी मैंने वो चिप्स वगैरह खाए ना, अब मैं सारा ये चूरा वगैरह यहाँ से हटाने वाला हूँ झाड़ के नीचे, बिकॉज पता है क्या होता है फिर मेरे बेड पे पता नहीं हमेशा कीड़े आ जाते हैं, मतलब चींटियाँ आ जाती हैं, और फिर वो होता है क्योंकि मैं कभी भी बेड झाड़ता नहीं, उसी पे खा लिया, इसी पे रैपर रख दिया वो सब। तो अब इस बार ना भाई पूरी तरह मैं झाड़ रहा हूँ अभी। तो अभी मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगा था, इनफैक्ट थोड़ी सी कर भी चुका, और मेरे को एक बात याद आई जो हम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे थे, कि गवर्नमेंट स्कूल की एक बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है कि तो किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, उसके मुझे जो स्वेटर और ब्लेजर वगैरह होते हैं, मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा वो मतलब ठंड को रोकने वाले नहीं लगते, मुझे उनमें पर्सनली ठंड लगती है हमेशा। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आपने शर्ट डाली हुई है, अपने ट्राउजर सॉरी या पैंट डाली हुई है जो भी है स्कूल का, उसके अलावा लेट इट बी शूज या ऊपर की जैकेट वगैरह जो भी होगी, स्वेटर जैकेट, वो आप अपना घर पे कैजुअल जो भी है अब डाल सकते हो। और ये अब बात अगर शायद से हम नोटिस भी करी होगी, आज मैं ऐसे ब्लैक जैकेट डाल के गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं अपनी ट्यूशन लगा रहा था, और आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने ये पेन मैंने आज थर्सडे ना, तो मैंने ट्यूसडे को ये पेन ख़रीदा था, और कल इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा था इस पेन को, और अभी इंक देखो भाई, ये भाई सीरियसली ना प्रूफ है कि मैंने अभी पिछले कल और आज में मैंने कितना सारा काम करा है अपने स्कूल का लिखने वाला, और उसकी वजह से ये देख लो। तो बेसिकली ना, अगर मैं आपको थोड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैंने सैटरडे को व्लॉग करा, आज थर्सडे है, मैंने सैटरडे को व्लॉग करा, मैंने संडे को व्लॉग करा, मंडे को भी व्लॉग करा, ट्यूसडे को भी व्लॉग करा, वेंसडे को भी व्लॉग करा, और आज थर्सडे, आज भी व्लॉग कर रहा हूँ। अगर मैंने कल भी व्लॉग कर लिया तो पूरे एक हफ्ते के लिए रेगुलर हो जाएगा। इस तो आई डोंट नो कि कैसा होगा, मतलब मेरे को फीलिंग ही वो बहुत अंदर से बहुत अच्छी आ रही है कि यू नो एक हफ्ते के लिए रेगुलर व्लॉग करा। मतलब सोचो जो इतने मैं ये तक वीडियोस में डालता तो उसने एक हफ्ते के लिए रेगुलर व्लॉग करा, मेरे को तो भाई अलग ही तरह की दिमाग से डिस्टर्बेंस आ रही है, पर मेरे को तो अलग ही तरह की फीलिंग आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बारे में। आज था मेरा लेग वर्कआउट, और अभी वहाँ स्टेयर से आते आते मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना कि मैं बता नहीं सकता, और आज मेरे को एक्टिवा के लिए भी पार्किंग नहीं मिली थी, मैंने थोड़ी दूर खड़ा है तो वहाँ तक भी चल के जाना पड़ेगा। आज मैंने हर एक एक्सरसाइज पे थोड़ा एक्स्ट्रा वेट मारा था, जितना मैं नॉर्मली मारता हूँ एक एक्स्ट्रा वेट, तो उस वजह से वो दर्द थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। तो कल सुबह तो बहुत ही ज़्यादा होगा, जब कल फिर उठूँगा, कल सुबह स्कूल भी जाना है तो पता नहीं कैसे होएगा। ओ यार बहुत दर्द हो रही है, चलते हैं। ये देखो दिवाली की डेकोरेशन अभी तक करी हुई है लोगों ने, सही है। तो अभी जिम से तो मैं आ गया था, बाकी अभी मेरे को एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं उसके घर जा रहा हूँ, और मेरे को थोड़ी सी भूख भी लग रही है, पता नहीं ऐसे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे मार्केट में ऐसे स्नैक्स वगैरह वाली शॉप्स हैं तो वहाँ से पिज़्ज़ा वीज़ा खा लेंगे। तो अभी मैं वापस आया, जैसे आपने देखा हम थोड़ा खाने गए, फिर हम एक बारी पूछने गए थे कि मूवी का, यहाँ पे एक्चुअली हमारे घर के बहुत पास 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर एक मॉल है, तो बेसिकली उस मॉल में कोई शॉप्स नहीं है, बस उन्होंने थिएटर बनाया हुआ है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे पूछने गए थे क्योंकि अभी बहुत सारी मूवियाँ लगी हुई हैं 2-3 इकट्ठी, तो हम पूछने गए थे थोड़ा मूवी का, तो वो भी हम शायद से 2-3 दिन के अंदर अंदर मूवी देखने जाएंगे, थोड़ा प्लान बन रहा है फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जैसे कि आपको पता है ये मेरा रूम है,
तो पहले तो मैं अपने जो शूज़ हैं वो वहाँ रखता था कंप्यूटर टेबल के नीचे, बट अब मैंने एक ये जगह बनाई है तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह पड़े रहते हैं मेरे शूज़। थोड़ा अंधेरा होएगा तो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ ऐसे सारे शूज़ के बॉक्सेस लगे हुए हैं और ये पूरे में शू बॉक्सेस लगे हुए हैं और इसके अंदर फिर ऐसे शूज़ रख देता हूँ मैं, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन हिसाब है। और इधर भी हैं जैसे देखते हो, यहाँ से एक शूज़ गायब है ना, तो ऐसे ही बनाया हुआ है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे शू रैक टाइप ही है मेरे लिए तो ये, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। और इससे एक और फायदा ये भी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद नहीं पड़ता कंप्यूटर टेबल के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे आते हैं। और सीरियसली अब कोई बता भी नहीं सकता बाहर से देख के कि यहाँ पे अंदर शूज पड़े होंगे, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है और कूलर हीटर नहीं रहता है, फिर सब कुछ तो सही लगता है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले खा रहा था ऑरेंज संतरे खा रहा था, और अभी संतरे तो कब के खा लिए, अब मैं खा रहा हूँ ये मशरूम के पकौड़े। आज का डिनर हमारा यही है, मशरूम के पकौड़े, और अब थोड़ी देर बाद शायद से कॉफ़ी पियेंगे भाई। तो अभी कॉफ़ी कॉफ़ी पी के तो सब हो गया, अभी मैं बस सोने लगा, रात के 12 बज चुके हैं और मेरी आँखों में पता नहीं ऐसी सूजन सी हो रही है, शायद से नींद आ रही है इस वजह से। कल मुझे सुबह स्कूल जाना है, सुबह 6 बजे उठना है, तो आज भी अच्छी तरह नींद नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ 6 घंटे की नींद मिलेगी। अभी भी मैं काम ही कर रहा था स्कूल का, अभी मैं सोता हूँ। और पता नहीं मेरे से ना रात को ऐसे स्वेटशर्ट हुडी पहन के सोया ही आता है, इसलिए मैं फिर ऐसी नॉर्मल टी शर्ट में सोता हूँ, और इस टाइम थोड़ी ठंड भी लगती है। और अभी ना इतना मैं ये नॉर्मल ऐसे चद्दर सी लेकर सोता था, कल या परसों से मैं ट्राई करूंगा कंबल लेकर सोया करूंगा अच्छी तरह। और ये आज पापा लेके आए थे मेरे लिए काइंड ऑफ प्रोटीन बार, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट सीरियल बार विथ मिल्क, तो ये भी कल सुबह मैं ट्राई करूंगा कैसी होती है। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो कोई पहले डिसलाइक कर देना। ये क्या है, अरे स्केल निकल गया भाई, ठीक है। कॉमेंट कर सकते हो आप कुछ भी प्यारा सा, सब्सक्राइब कर देना प्लीज चैनल को, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, रिजुल शर्मा एक्स है मेरी आईडी। बाय बाय सर, सर क्यों बोला मैंने, बट चलो बाय बाय।